राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के तत्वाधान में बेलहर के बहोरना पंचायत में मिशन इंद्रधनुष के तहत आंगनबाड़ी केंद्र पर नियमित टीकाकरण का आयोजन किया गया। इस टीकाकरण अभियान में कई ANM एवं आंगनबाड़ी सेविका शामिल थी। वहीं ANM सुमन कुमारी ने बताया कि इस टीकाकरण से बच्चों में कई ऐसे भी प्रकार के रोग है जिनसे उन्हें बचाया जा सकता है। साथ ही बताया कि इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान से काली खांसी, गलघोंटू, टिटनेस, जॉन्डिस, निमोनिया, डायरिया जैसे भयानक बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सकता है। वहीं ANM आशा ने बहुत सारे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हो जाने की भी जानकारी दी। बांका के बेलहर से अमित कुमार की रिपोर्ट। कार्यक्रम है यहाँ छूटे है वो सबको टीका दिया जाता है। इससे बच्चे को लाभ क्या मिलता है मैडम? इससे बच्चे को लाभ है क्या, कोई बीमारी जैसे बीमारी निमोनिया हुआ, खांसी हुआ, काली खांसी हुआ, को सब बीमारी से बचाव के लिए, डायरिया के लिए है, डायरिया से बचाव के लिए है, यही सब इससे बचाव होता है। रीता कुमारी किस पोस्ट पे है यहाँ पे? आशा फैसिलिटेटर 2 पद। अच्छा, अभी तक में कितने बच्चों का टीकाकरण हो गया? 8 बच्चों का टीकाकरण हो गया। और महिलाएं कितने गर्भवती महिलाएं? गर्भवती महिला तभी हो गए। ठीक ठाक से हो रहा है ना? खूब सुंदर से। चलिए, सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।